सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा, आप सभी को पता है कि मिशन एनसीसी आप लोगों के लिए 30 डेज एनसीसी मास्टर क्विज कोर्स लेकर आया है। ठीक है, ये जो कोर्स है हमारा 1 जून से स्टार्ट हो चुका है, 1 जून 2020 से। ठीक है, इसके जो हमारे रेगुलर बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, इसका जो बैच टाइमिंग है हमारे इस क्विज का डेली सुबह 8 बजे के मॉर्निंग को सुबह 8 बजे आप सभी को लाइव आना है। ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चे लाइव आते हैं, वो क्विज को सॉल्व करते हैं और सेशन का मज़ा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक अपने नॉलेज को भी डेवलप करते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये 30 डेज एनसीसी मास्टर क्विज कोर्स में है क्या। तो देखिएगा, इसमें जो है आपके एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट की एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई अगर आपके आगे चल के आपका एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा। और साथ ही में देखिएगा, आपने अभी तक एनसीसी के बारे में क्या क्या आपको पता है, ठीक है, वो नॉलेज भी आपका टेस्ट कर किया जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है कुछ क्विजेस दी जाएगी, उसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉलेज कितना है, आपके कितने क्विजेस राइट आए, बाकी बच्चों ने कैसा आंसर दिया, ये सभी चीज़ें आपको इस क्विजेस में पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स भी आ रहा होगा कि सर ये जो कोर्स है ये पेड कोर्स है या फ्री कोर्स है। ठीक है, मैं आप सभी कैडेट्स को बता दूँ, ये कोर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, इसमें कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये एक बेसिक कोर्स है, इसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन आगे चल के एक एडवांस कोर्स आने वाला है जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एडवांस कोर्स के लिए टाइम है, लेकिन आप तभी तक पहले बेसिक क्वेश्चन को सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता दूं, भाई जो कैडेट नए आए हैं तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर जो कैडेट पहली बार आया है वो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि उसको इसी तरह की नई क्विजेज और पता चले और इसी तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन उसको मिलते रहे। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए बिल्कुल फटाक से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, अब बात करेंगे भाई, आंसर सभी को देना है। देखिए बिल्कुल आंसर सभी को देना है, आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्विजेज होंगे, उन क्विजेज का आंसर आप सभी को देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने बच्चे देंगे, तो रिस्पॉन्स आपका ठीक है, सभी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भी बच्चे अभी तक दे नहीं रहे हैं आंसर। मुझे पता नहीं क्यों नहीं दे रहे भाई, आप आंसर देने में कंजूसी मत कीजिएगा। ठीक है, जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपके भले ही हो यार, आपको नहीं पता हो इसका आंसर क्या है, तुक्का मारिएगा, लेकिन आंसर सभी को देना है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कि आंसर देंगे तो आप कहाँ दे सकती हो। ठीक है, जो कैडेट सुबह डेली 8 बजे आता है, ठीक है, जो कैडेट सुबह डेली 8 बजे आता है, तो भाई उसके पास चैट बॉक्स भी होता है और कमेंट बॉक्स भी होता है, ये दो ऑप्शंस उसके पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे अच्छा जो ऑप्शंस होता है वो होता है चैट बॉक्स। ठीक है, ये चैट बॉक्स में आप सभी को पता चल जाएंगे कि किसने क्या आंसर दिया है। ठीक है, इसलिए ये चैट बॉक्स जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसमें पता चल जाएगा। इसके लिए आप सभी को सुबह 8 बजे आना पड़ेगा लाइव। ठीक है, अब बात करेंगे जो भी कैडेट इसको 9 बजे 10 बजे 12 बजे या रात को देख रहा है, भाई उसके लिए तो कमेंट बॉक्स है, वो उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, हर किसी को आंसर देना है सभी को। ठीक है, और उसको पता चल जाएगा कि उसका सही आंसर क्या है। क्लियर है? चलिए, मिशन एनसीसी की तरफ से आप सभी कैडेट को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, क्विजेस को सॉल्व करिएगा। चलिए अब देखिए भाई, ये क्विजेस 56 to 68 क्या है? तो देखिए, ये हमारे क्विजेस का नंबर है। आपने इससे पहले कि अभी तक की क्विजेस अगर आपने सॉल्व नहीं की तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, मिशन एनसीसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट होगी भाई, प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में एक 30 डेज एनसीसी मास्टर क्विज कोर्स इस तरह से एक नाम का फोल्डर होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और पूरी क्विजेज आप सॉल्व कर सकते हो उसको देख के। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आज हमारा बहुत हम आगे आ चुके हैं। अभी जो भी कैडेट्स अगर नया आ रहा है तो भाई उसने स्टार्टिंग से बैच नहीं देखी है, तो वो स्टार्टिंग से उसमें देख सकता है प्लेलिस्ट में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर
फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देख सकते हो आप, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन 56 आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो कि हर साल ये क्वेश्चन आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, ठीक है? तो भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने, बिल्कुल चलिए आंसर दे दीजिए। चैट बॉक्स में आंसर करें या कमेंट बॉक्स में आंसर करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप, ठीक है? ओके, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सभी को बहुत बढ़िया, गुड, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, अब सभी के तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, अगर सभी के नाम लूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कि सभी के नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? तो देखिएगा सभी लोग, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? तो बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है? देखिएगा सेशन ख़त्म हो जाने के बाद बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक कॉम्पिटिशन का माहौल बनेगा हमारे चैनल पर, सभी बच्चे उनका आंसर दे रहे हैं, ठीक है? आप सुबह लाइव हो 8 बजे तो बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है आप सभी को, आप बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने, जो भी आंसर आपको लगता है, आपका जो आंसर है वो चैट बॉक्स में या आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके टाइम अप। चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग, बहुत बढ़िया सभी कैंडिडेट्स, वेरी गुड, ठीक है? बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है भाई। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो है बिल्कुल हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने, ठीक है? थे। चलिए क्लियर है भाई, कुछ अच्छा नया सीखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि आप सभी को ये पहले से ही क्वेश्चन का आंसर पता था, ठीक है? बहुत बढ़िया, तो भी सभी ने अच्छा ट्राई किया, ठीक है? जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल उसको पता चल जाएगा अभी धीरे धीरे। चलिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा और आंसर बताते जाइएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ऑप्शन इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आपका आंसर है आप मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड, टाइम अप। ओके, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल इसका भी आंसर राइट दिया है, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको है ना आपके एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेगी, ठीक है? जो भी कैडेट इसको बिल्कुल ध्यान से देख रहा है वो सभी उसको आगे चल के बेनिफिशियल होगी।
चलिए तो देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भाई बिल्कुल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो थे बिल्कुल भारत के उपराष्ट्रपति थे। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है? जो भी आपका राइट आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम आप ठीक है? ओके, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, उसको पता ही नहीं था कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? ऑलमोस्ट बहुत सभी बच्चों ने गलत दिया है, ठीक है? अब देखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गणेश वासुदेव मावलंकर इज द राइट आंसर, ठीक है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आज का। आप सभी को इसका आंसर देना है, सभी को स्कोर पता चल गया कि उनका कितना स्कोर हो चुका है, कितने राइट आ रहे, कितने रॉन्ग आ रहे। तो ठीक है, अगर आप स्कोर को बढ़ाना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिएगा इसमें कुछ बच्चे बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है, भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश कौन थे भाई? तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल कान्या, ठीक है? भारत के प्रथम प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल कान्या इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? आई होप कि मुझे आप सभी को अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज मिल चुकी है आज, ठीक है? ये सभी चीज़ें आपको आपके एनसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में यूज़फुल होगी। क्लियर है भाई? इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि सभी बच्चे आपके साथ लाइव आ सके, ठीक है? आप सभी को पता चल रहा है कि चैट बॉक्स में कौन कौन क्या आंसर कमेंट कर रहा है, ठीक है? और आपका आंसर राइट है, रॉन्ग है, ये भी आपको पता चल रहा है बिल्कुल, ठीक है? इसी तरह सभी बच्चे आपके साथ आ सके और एक हमारे यहाँ पे कंपटीशन का माहौल बन सके, इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बिल्कुल मिलेंगे कल इसी समय इसी नए क्विजेस के साथ। चलिए आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।